सफर चाहे रास्ते का हो या जिंदगी का, अगर हम सफर लाजवाब हो ना तो दिल से बस एक ही आवाज आती है, काश यूं ही सारी उम्र बीत जाए संग मितवा। राम राम सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल विलेज मॉम शालिनी पर, और मैं हूँ शालिनी। और ये है शाम का समय। आज मैं आपसे बस नाइट रूटीन ही शेयर करी। वैसे दिखाने को तो नाइट इवनिंग में बहुत कुछ हम लोग पहले से व्लॉग डाल रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही कुछ जानते हैं कि हमारा डेली रूटीन क्या रहता है। तभी यह मेरी शाम की झाड़ू लग रही है, और मेरे प्यारे पतिदेव का बाहर से फ़ोन आया था, बुकिंग पे गए हुए हैं, बोले थे कि आज मेरा सिरके वाली प्याज खाने का मन कर रहा है, तो मैं वही सिरके वाली प्याज डाल रही हूँ उनके लिए। आज मौसम बहुत ही बेकार हो रहा है। अभी देखो फसल जो है कटने को है, और फिर से बारिश का मौसम। और आपने अभी मैं झाड़ू लगा रही थी तो कपड़े भी देखे होंगे, सारे अंदर ही सूख रहे हैं, कहीं कुछ डाल रखा है, कहीं कुछ डाल रखा है। और ऊपर मैं गई नहीं क्योंकि आलस करके, ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, हाथ से ही धोए थे बस, इसीलिए। यहाँ मैंने पानी बॉईल किया। पानी बॉईल करने के बाद मैंने उसमें चार लौंग डाली, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी और थोड़ा सा फूड कलर। और जो प्याज मैंने कट की है, वैसे मैं चार कट लगा कर डालती पर मैंने आज उनको चारों को कट ही कर दिया। और जैसे ही पानी बॉईल हो गया, प्याज ऐड करके ढक के रख दिया, बस बन गई सिरके वाली प्याज। तो मैं बात कर रही थी हम सफ़र की। सच्ची में यार, अगर हम सफ़र अच्छा हो ना तो बस ये लगता है कि दुनिया रंगीन है और सब कुछ हमें मिल गया। जो ना भी मिल पाता हो ना, वो भी लगता है कि अब ये हमें मिल ही जाएगा। अगर हम सफ़र हमारा साथ दे, हम सफ़र का साथ दें, तो बहुत ही मतलब कि हर चीज़ जो नामुमकिन है वो हम धीरे धीरे मुमकिन कर ही लेते हैं, बस साथ बना रहे हमारा। जब नई नई शादी होती है ना तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर जैसे ही साथ हम दिन गुजारने लगते हैं ना तो एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, किसी और के ऊपर नहीं बोल रही। तो यहाँ हो गई कुकू की पूजा, शाम की दियाबाती, और मम्मी की थी आज एकादशी, तो उनके लिए बनाए लौकी के पकौड़े। और हमारे जनाब ने सिरके वाली प्याज इसलिए पड़वाई क्योंकि वो रात में ना बाहर से खाना लेकर आए थे, मटर पनीर लाए थे, क्योंकि मम्मी को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जिस दिन मम्मी का व्रत नहीं होता उस दिन हमें अजीब सा लगता है, क्योंकि घर भी बनाना पड़ता है और फिर बाहर से आए तो फिर ये लगता है घर ही बना के खा लेंगे। तो इस वजह से विनीत जी आज ही ले आए, वो पूरे 9 दिन व्रत रहे थे ना, तो उनका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था तो वो लेकर ही आ गए। यहाँ तनु मुझे रोशनी दिखा रहा था क्योंकि आज है ना घर में अंधेरा अंधेरा कुछ ज़्यादा ही सा लग रहा था, या तो मौसम की वजह से, और इन्वर्टर भी थोड़ा डिम हो गया था इस वजह से। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे पास एक कमेंट आया था, एक सिस हैं प्लेस लाइफ फूड करके, उनका रियल नेम कामिनी है, तो वो बोल रही थी मुझसे कि सिस मेरे हस्बैंड ने ना ड्रिंक करके आने लगे हैं। तो देखिए, ड्रिंक करना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, आप सभी जानते हैं। और अभी कोरोना में तो डॉक्टर लोगों ने तो दवा के रूप में बोल भी दिया था कि एक पैक डेली लगाई, तो वो दवा के तौर में था। वैसे मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो जेंट्स लोग होते हैं ना, उनके ना कुछ बातें होती हैं जिनके कारण वो ड्रिंक करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का शौक होता है ना, कि घर में किसी को दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री है, आमदनी अच्छी है, हर बात की फैसिलिटी है, और वो एक पैक, ओनली एक पैक लगा के आ रहा है डेली, और ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कुछ, और आराम से शांति से आके सो रहा है डेली शौक में। अगर वो शौक शुरू से है तो उसका तो आप भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। और एक दूसरा कि संगत गलत हो तो इंसान पीना सीख जाता है, संगत गलत है तो इंसान पता नहीं क्या कुछ नहीं कर सकता। पीना तो बहुत ही आम बात हो गई है, संगत से तो इंसान क्या क्या नहीं कर जाता। गलत हो तो एक दिन मना करेगा, 2 दिन मना करेगा, 3 दिन मना करेगा, 4th-5th दिन एक पैग लगाएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके वो एकदम ज़्यादा वाले पर उतर आता है, ठीक है ना। और तीसरा, घर में जब टेंशन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आदमी जो है ना पीने चला जाता है। अगर आप सोचेंगे कि हम क्यों नहीं पी लेते लड़ाई झगड़े में, ऐसी बात नहीं है, मैंने लेडीज़ों को भी देखा है, हम तो मिडिल क्लास की लेडीज़ें हैं, तो हम ये सब हरकतें हम नहीं कर सकते, हम तो बस अपना किसी कोने में रो धो के अपना दिन निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बातों आप नोटिस कीजिए उनकी बातों को, कि वो किस कारण वो पीने जा रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, अगर इंसान बीमार है तो
और जबरदस्ती पी के आ रहा है तो वो तो गलत है भैया, उसका तो इलाज कराना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर ठीक ठाक इंसान है, अच्छा खासा है, नेचर वाइज अच्छा है, और वो कभी कभी शादी पार्टी में पी के आ रहा है, और देखो अपने अपने शौक होते हैं, हम औरतों के भी शौक होते हैं, जैसे पार्लर जाना, कुछ भी करते हैं कि नहीं करते, ऐसे आदमियों के अपने अपने शौक होते हैं। तो मेरे हिसाब से कभी कभी जो पी के आते हैं लिमिट में, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शांति वती से आते हैं घर पे, तो झगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप उन्हें जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कारण है, उन्होंने क्यों पीना शुरू किया, पूछो उनसे, आपसे कोई गलती है वो पता करो। तो ये आप थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा ट्राई करती रहो क्या कारण है। तो आज का मेरा सारा व्लॉग ऐसे ही निकल गया, मैं आपसे कुछ ज़्यादा शेयर भी नहीं, मतलब बातें और कुछ अपने बारे में नहीं कह पाई। तो आज के व्लॉग की बस एंडिंग यहीं पर करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये बातें ठीक लगी हो, और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो फिर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।